कि आपके दांतों के दरमियान में गैप या स्पेसेस हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे पांच ऑप्शंस जो दांतों के गैप्स को क्लोज कर देते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है मेटल ब्रेसेस। मेटल ब्रेसेस जो है वो डेंटिस्ट पेशेंट के दांतों के ऊपर खुद फिक्स करता है और वो स्लोली और ग्रेजुअली जो है दांतों को मूव करते हैं और जो है गैप्स को क्लोज कर देते हैं। ये सबसे कंजर्वेटिव ऑप्शन है, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत टाइम टेकिंग है, इसके अंदर काफ़ी मंथ्स लग जाते हैं दांतों को गैप्स को क्लोज करने में। नंबर सेकंड पे क्लियर अलाइनर्स। क्लियर अलाइनर्स प्लास्टिक की ट्रेज होती हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती हैं और ये पेशेंट वेयर करता है खुद, रिमूवेबल होती हैं ये, और जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गैप्स को क्लोज करती हैं। क्लियर अलाइनर्स भी बहुत अच्छा ऑप्शन है और बहुत कंजर्वेटिव ऑप्शन है, लेकिन इसके अंदर जो है अगेन टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, काफ़ी मंथ्स लग जाते हैं और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है। नंबर थर्ड ऑप्शन इज कॉम्पोजिट फिलिंग या कॉम्पोजिट वनियरिंग। कॉम्पोजिट जो है वो दांतों के कलर का जैसा मटेरियल होता है वाइट कलर का, और जो है वो डेंटिस्ट जो है वो कॉम्पोजिट को जो है वो बॉन्ड करता है और वो कॉम्पोजिट का जो मटेरियल है वो दांतों के गैप को क्लोज कर देता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका फौरन क्विक रिजल्ट मिल जाए तो एक ही सेशन में कॉम्पोजिट बॉन्डिंग हो सकती है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि विद टाइम कॉम्पोजिट बॉन्डिंग जो है वो डिसकलर भी हो सकती है और जो है वो चिप ऑफ भी हो सकती है, मतलब निकल भी सकती है। नंबर फोर्थ ऑप्शन इज पोर्सलिन विनियरिंग। ये एक बहुत रिलायबल और ड्यूरेबल ऑप्शन है और इसके अंदर जो है वो डेंटिस्ट दांतों की जो सामने की जो सरफेस होती है उसको हल्का सा ट्रिम करता है और ट्रिम करने के बाद उसका नाप लेके लेबोरेटरी भेज देता है। लेबोरेटरी से जो है फिर एक बिल्कुल फिंगर नेल की तरह थिन जो है पोर्सलिन के जो लेमिनेट्स बन के आते हैं जो कि डेंटिस्ट जो है वो दांतों की ऊपर की सरफेस के ऊपर चिपका देता है। ये दांतों के कलर को भी बेहतर करता है और दांतों के जो गैप्स होते हैं, अगर माइनर गैप्स हों, छोटे मोटे गैप्स हों, तो उनको भी क्लोज कर देता है। द लास्ट ऑप्शन इज डेंटल क्राउन्स। डेंटल क्राउन्स जो है वो उसके अंदर जो है सिर्फ सामने की सरफेस नहीं बल्कि सारे ओवरऑल दांत को 360 डिग्री उसको ट्रिम किया जाता है, उसके बाद नाप लिया जाता है। नाप लेने के बाद वो लेबोरेटरी भेज देते हैं और लेबोरेटरी जो है वो पोर्सलिन के या जरकोनिया के जो ब्रिजेस होते हैं या क्राउन्स होते हैं वो बन के आ जाते हैं और डेंटिस्ट जो है वो पोर्सलिन के क्राउन्स या जरकोनिया के क्राउन्स को दांतों के ऊपर चिपका देता है या सीमेंट कर देता है। अब आपके लिए कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है ये जो है डेंटिस्ट आपको बताएगा आपके मुँह का मुआयना करने के बाद। हर ऑप्शन की अपनी एक इंडिकेशन है, अपनी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। आपका डेंटिस्ट डिसाइड करेगा कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है।